हैं अर्ध सैनिक, हम हैं अर्ध सैनिक, हम हैं अर्ध सैनिक। अर्ध सैनिक कैंटीन बड़े गांव ग्वालियर में खड़ा हूं और आज इस कैंटीन को देखा और ये हमारे कैंटीन मैनेजर सूरज हैं, बहुत ही अच्छी उन्होंने कैंटीन सजाई हुई है और पूरा प्रोडक्ट का लेआउट देखने के बाद मैं ये जान रहा हूँ, इनसे फीडबैक भी बहुत अच्छी मिल रही है कि गांव देहात में कैंटीनों के प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ रही है जैसे जैसे, और विशेषकर अभ्यम ब्रांड की प्राइस रेंज भी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है। सूरज आप एक मिनट इधर आने लगा, मुझे आप बताइए आपको कैसा लग रहा है कैंटीन खोलने के बाद, यहाँ महसूस कर रहा हूँ और यहाँ की लोकल फीडबैक कैसी आपको मिल रही है? कोई फीडबैक अच्छा है, कोई विशेष शिकायत हो तो वो बताओ, अभ्यम ब्रांड के बारे में आपके जैसे हमारे सारे ब्रांड हैं, हमारा रेजर है, क्लीनर है, क्लीनिंग प्रोडक्ट है, बाथिंग सोप है, इवन हमारा अपना डिटर्जेंट केक है, सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही? कोई ऐसा विशेष कोई ऐसी खास प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई शिकायत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कैंटीन मैनेजर खुद स्वयं बता रहे हैं कि हमारा ब्रांड ऑल आउट उन्होंने फूड स्लीपेड का ऑल आउट का सब्सिट्यूट निकाला है, कोई भी किसी तरह की शिकायत नहीं है। मेरा सभी कैंटीन मैनेजरों से एक निवेदन है कि जब हम दिल लगाकर अपने ग्राहक को ध्यान देंगे, उसकी बात सुनेंगे और अपना ब्रांड अगर उसे हम ऑफर करते हैं जिसमें हमारा हैवी डिस्काउंट है तो हर आदमी हर नागरिक उसे पसंद करेगा और धीरे धीरे अभ्यम ब्रांड पॉपुलर होता जा रहा है और हो जाएगा। हमारा मेन उद्देश्य कैंटीन को खोलने का है प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए हमने अपना अभ्यम ब्रांड उतारा है। मेरा आप सबसे निवेदन है सभी कैंटीन मैनेजर इस पे ध्यान दें, और इसके बाद जो हमने नई स्कीम निकाली है राशन से पेंशन योजना, इस पे भी अवश्य ध्यान दें। आपके डैशबोर्ड के अंदर हमने इसके लिंक दिए हुए हैं, आप आज से ही अभ्यम.com के अंतर्गत लोगों को जोड़ते हुए उन्हें पेंशन की सुविधा दे सकते हैं। प्रत्येक कैंटीन मैनेजर इसका फायदा ले, हमारे वीडियोस लगातार चेक करें और इस राशन से पेंशन योजना के बारे में आने वाले सभी ग्राहकों को बताएं, क्योंकि हर नागरिक को अगर पेंशन मिलने लगेगी तो आप सैनिक कैंटीन की सबसे बड़ी सफलता होगी। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं, जैसे सूरज जी ग्वालियर के अंदर अपनी कैंटीन को बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे हैं, आप भी हिम्मत करें और किसी भी तरह की नेगेटिव या नकारात्मक कोई बात आपको सुनने को मिलती है कृपया वह हमें अवश्य बताएं। मैं उम्मीद करता हूं हम सब मिलकर इस कैंटीन के बारे में जो सोच रखते हैं, जो विचार रखते हैं उसे अचीव करेंगे और जनता का दिल जैसे जीत रहे हैं, नागरिकों का दिल जीत रहे हैं, उसी तरह पूरे देश का हम दिल जीत कर अर्धसैनिक कैंटीन को एक दिन कामयाब करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। हम हैं अर्ध सैनिक, हम हैं अर्ध सैनिक, हम हैं अर्ध सैनिक।